अल्लाह ताला ने यहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, रसूल है, सफीर है, एम्बेसडर है, अल्लाह का बंदा है। ये कुरान क़यामत तक के लिए है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मार्केट में एक नया गुस्ताख रसूल आ गया है। देखें ये क्या बकवास कर रहा है, कैसे कैसे बकवास कर रहा है। वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक और उसके बाद अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट में कि ये क्या बकवास कर रहा है और आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ये उस्मान साहब की बात है, उस्मान साहब कहते हैं कि यहाँ आपकी आगे बात करते हैं आप रिपीट करें अपनी बात को, ये बात करते हैं ना। इस पर उस्मान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मोहम्मद मुराद है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के कुरान को कुछ तब्दील कर दे, इसमें तरमीम कर दे, तो वो फिर गलत करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, रसूल है, सफीर है, एम्बेसडर है, अल्लाह का बंदा है। ये कुरान क़यामत तक के लिए है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें मौजूद नहीं है। कुरान सिर्फ अरब वालों के लिए तो नहीं है, कुरान तो पूरी दुनिया के लिए है। हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए भी यही कुरान है। जो बंदा अल्लाह के हुक्म की तरफ बुलाता है, जो बंदा कुरान की तरफ बुलाता है, वो मुराद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मोहम्मद मुराद थे, उसके बाद अबू बकर आ गए, उमर फारूक आ गए, उसके बाद भी लोग आते रहे और क्यामत तक लोग आते रहेंगे। यानी ये मुझे तय करना है कि मैंने अतात पीटीआई की करनी है या पीडीएम की करनी है या किसकी करनी है, ये मुझे फैसला करना है। और मुझे फैसला करना है कुरान के मुताबिक। अगर तो कुरान ये इजाज़त देता है कि मैं नवाज शरीफ की अतात करूँ तो फिर ठीक है, नहीं इजाज़त देता कुरान ये। लेकिन मुझे आज जिंदा अल्लाह का बंदा चाहिए ना, जिसकी मैं अतात करूँ, जो मेरा अमीर हो या मैं किसी का अमीर हो जाऊँ। तो हमने अपने सादिकाबाद में, पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में एक लीडर मुकर्रर करना है। और उसको रसूल कहेंगे भी? वो अल्लाह का बंदा होगा, वो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाएगा। तो कुल अतीउल्लाह को अल्लाह ताला कहता है। आपने बात कर दी उस्मान साहब, अभी आप ठीक हो गया, इस पर फिर बात कर लेंगे। अभी आप काम रोक रहे हो, आप करने नहीं दे रहे हो, हमें हो गया ना। आप कुल अतीउल्लाह व रसूला, अतात करो अल्लाह की और उस बंदे की। आज जिंदा अल्लाह का बंदा जो कुरान के मुताबिक आपके फैसले करे उसकी इताअत करो, ये हुक्म है मुझे। अगर ये हुक्म नहीं है तो फिर हम शहबाज शरीफ की इताअत करें, ठीक है, फिर हम बिलावल की इताअत करें, ठीक है, फिर हम किसी पीर की फजलुर रहमान की इताअत करते हैं, फिर फजलुर रहमान ठीक है, नहीं ठीक है। आज मुझे उस बंदे की इताअत करनी है जो कुरान के मुताबिक मेरे फैसले करे। वो अल्लाह का बंदा होगा, वो अल्लाह का सफीर होगा, वो अल्लाह का एम्बेसडर होगा। कुल अतीउल्लाह व रसूला। और देखें हमारे हुक्मरान जैसे वज़ीर आज़म और बिलावल, वज़ीर खारजा बाहर गए हुए हैं, अगर ये अल्लाह के बंदे होते तो अल्लाह के सफीर थे, ये अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह का पैगाम ले जाने वाले थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब आज लंदन गया हुआ है कॉमनवेल्थ में मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहा है, और वो शहजादा शाह चार्ल्स की ताजपोशी में बैठा है, अगर वो अल्लाह का बंदा होता तो अल्लाह का रसूल अल्लाह का पैगाम लेके जाता। वो अल्लाह का पैगाम नहीं लेके गया, वो अल्लाह का रसूल बनकर नहीं गया। अगर वो अल्लाह का रसूल बन के जाता तो कुरान लेके जाता। अगर वो और वो अपना वो अपनी ख्वाहिशें लेके गया ना, तो कुल अतीउल्लाह व रसूला फइन तवल्लौ। ये कुरान चूंकि क़यामत तक है, हम इसको किसी एक टाइम तक महदूद नहीं कर सकते। कुल अतीउल्लाह व रसूला फइन तवल्लौ, फिर अगर हम उसकी इताअत ना करें, लोग उसकी इताअत ना करें जो अल्लाह का बंदा है, आज जो हुक्मरानी का हक रखता है, फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, फिर ये अल्लाह का चैलेंज है कि अगर आप उस बंदे को अपना लीडर अपना पेशवा नहीं बनाओगे जो कुरान के मुताबिक आपके फैसले करे, तो फिर ये आपने जुर्म उस बंदे के साथ नहीं किया, सिर्फ तुमने ये अल्लाह का हुक्म तोड़ा। आज हम अगर सियासतदानों का हुक्म नहीं मानते तो हम क्या जुर्म करते हैं? मुल्क का कानून तोड़ते हैं ना। मुल्क हमें सजा दे दे, मुल्क ने आर्टिकल 6 रखा है उससे परवेज मुशर्रफ हट गया। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मेरा हुक्म तोड़ा और मेरे बंदे की इताअत ना की, उस बंदे को अपना लीडर ना बनाया जो मेरे कानून के मुताबिक आपका लीडर बनने का अहल है, तो फिर सुन लो, फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। जी तो नाज़रीन, सुनिए आपने इस बंदे की बातें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।